नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जानेंगे राशियों का हाल 3 मार्च 2019 के बारे में। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीते, हमारी पूरी मनोकामना है। तो सीधा ही राशिफल शुरू करेंगे। राशिफल शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी आपके कमेंट्स और जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनमें अगर मैं किसी की प्रश्न कुंडली लगा रहा हूँ तो वो प्रश्न कुंडली का नंबर के साथ ही कमेंट करें। अगर आप बार बार एक ही कमेंट करते रहेंगे कि आपका रह गया है, आपका नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो कमेंट है मेन वाला छुप जाएगा, तो उसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि मैं फिर दोबारा वो प्रेडिक्शन करूंगा, दोबारा प्रश्न निकालूंगा, तो उसमें हो सकता है जवाब आपका सही ना आ पाए। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी सर्विस होती है कि इसमें कंसल्टेंसी ही पूरी लगती है और पूरा ही समझाना पड़ता है, मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक उसमें सवाल लेके दूसरे उसमें जवाब देने की कोशिश करूँ। आपके फ्यूचर के साथ जुड़े हुए सवाल है, तो इसके साथ कोशिश कीजिए कि समझदारी से पूरा वीडियो सुनने के बाद ही कुछ कमेंट करें, या उसके बाद ही कोई आप प्रश्न कुंडली लगाएं। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में निकालेंगे, देखिए जल्दबाजी में आपको YouTube चैनल पे हम हजार, फेसबुक पे आप चले जाइए, हजार फ्री एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज भरी पड़ी हैं। मगर अगर आप सही में सर्विस लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, और आपका जो जवाब है वो वीडियो के अंदर ही होगा। एक वीडियो में सवाल है तो दूसरे वीडियो में जवाब जरूर होगा, मगर ये आपको कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा 2 या 3 वीडियोस के अंदर। हमारे लिए कमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि किस वीडियो में आपका जवाब है, किस वीडियो में आपकी कमेंट हो गई है। अगर किसी को रिप्लाई में आ जाता है कि आपकी प्रेडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब 2-3 दिन के अंदर उनका वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये हमें एडवांस में राशिफल शूट करके चलना पड़ता है। अब मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई बार बार कमेंट करे और बार बार परेशान हो। किसी की भी कमेंट्स का और फीलिंग का मिसयूज करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जानेंगे आज का राशिफल सीधा ही, राशिफल जो हमने कैलकुलेट किया है। उससे पहले जानते हैं गीता जी से पंचांग, और उसके बाद सीधा ही शुरू करेंगे मेष राशि के बारे में। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज का दिन रविवार, तारीख 3 मार्च 2019, विक्रम संवत 2075, औशक संवत 1940, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर और मास फागुन। आइए अब बात करते हैं पक्ष के बारे में। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी दोपहर 1:45 तक रहेगी और उसके पश्चात त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। आज का नक्षत्र उत्तर अषाढ़ा, जो सुबह 9:01 तक होगा और उसके बाद श्रवणा शुरू हो जाएगा। आज का यह वृघा, जो सुबह 12:32 तक रहेगा और उसके बाद परिधा शुरू हो जाएगा। करण तैतिला। आइए अब बात करते हैं सूर्योदय के बारे में। आज सूर्योदय सुबह 6:49 पे होगा और सूर्यास्त शाम 6:19 पे। आज सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा मकर में। गुलिक काल की बात करें तो 15:24 से 16:50 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:50 से 6:16 तक रहेगा। आज की दिशा शूल पश्चिमी है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा भरा होगा। बिजनेस व जॉब वालों के लिए कुछ नॉर्मल रहेगा। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में आज लगन लगानी पड़ेगी, तो कुछ न किसी कारण से आपका आज मन भटक सकता है। अगर मन हल्का सा भी भटकता है तो मेडिटेशन करके उसको सामान्य करें और फिर अपने लक्ष्य की तरफ जुड़ जाएं। वृद्ध जनों की सेवा करने पे और अथवा उन पे धन खर्च करने पे आज आपको हर्ष महसूस होगा। आज आपको ऐसा करना अच्छा लगेगा, किसी को रास्ता पार करवाना या किसी भी वृद्ध की सेवा करना आज आपको एक अलग तरीके की प्रसन्नता देगा। कारोबार में अधिक व्यस्त होने के कारण आप आज कुछ थकान महसूस करेंगे, मगर कोशिश करके भी अपनी सेहत पे आज लापरवाही ना बरतें। आज लकी नंबर की बात करें आपका तो 4 है और लकी कलर की बात करें तो एक्वा ब्लू होगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं वृषभ राशि, इसका जो स्वामी होता है शुक्र, शुक्र इस टाइम पे मकर राशि के अंदर है, चंद्रमा के साथ युति बनाई हुई है, चंद्रमा और केतु के साथ। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में, आइए जानते हैं। आज व्यवसाय व नौकरी वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। रुपए के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी आज बरतने की आपको आवश्यकता है।
कोई लंबा पुराना अगर किसी से मतभेद चलता आ रहा है आपका, तो उसके अंदर भी आज कुछ आपको रिलैक्स मिलेगा और कहते हैं कि कुछ निपटने के चांसेस हैं। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा आपका। सायंकाल मनोरंजन अथवा शॉपिंग में व्यतीत होगा। सायंकाल जो है आपका मनोरंजन शॉपिंग में व्यतीत होगा, क्योंकि वैसे भी ये छुट्टी का दिन है, एंजॉयमेंट का दिन है। अगले दिन भी छुट्टी आ रही है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, तो परिवार के साथ समय बिताइए, शॉपिंग कीजिए, उसमें कोई भी गुरेज या परहेज ना कीजिएगा। लव रिलेशंस आपके स्ट्रांग बनेंगे। किसी भी तरह के कटु वचन ना बोले ना सुने, हो सके तो इसको इग्नोर करें। आपकी सेहत और आपके मूड के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लकी नंबर की बात करें तो 2 और 3, और लकी कलर आपका लाइट ग्रीन रहेगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि स्वामी बुध, बुध की प्लेसमेंट 12वीं राशि यानी कि मीन राशि में। तो अब बात करते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ थकान भरा रहेगा। किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी की सलाह जरूर ले लें। आज आपको सेकेंड ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है। सारे पहलू अच्छे तरीके से जांच लें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। परिवार में किसी तरह के भी आर्ग्यूमेंट से बचें। हो सकता है आज आप खुद को अकेला पाएंगे। चंद्रमा कभी कभार डिप्रेशन भी देता है, कभी कभार मन परेशान भी करता है, तो हो सकता है आप अपने आप को आज कुछ अकेलापन महसूस करें, मगर कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा टाइम परिवार के साथ रहेंगे तो मनोबल बना रहेगा। वाणी में संयम की आवश्यकता है। लव रिलेशंस आज सपोर्टिव रहेंगे। लकी नंबर की बात करें तो 4 और 6, और लकी कलर जो आपका रहेगा आज सफेद यानी व्हाइट रहेगा। आइए बात करते हैं अब कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा की प्लेसमेंट पे इस टाइम पे मकर राशि के अंदर है, शुक्र और केतु के साथ। कर्क राशि वालों को आज का दिन राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई राजनीतिक कार्यों में हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय व नौकरी के लिए दिन मध्यम रहेगा। आय से रिलेटेड कुछ नए सोर्सेज आज सामने आएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। ध्यान पूर्वक निर्णय लें। मेरा कहना यही होगा कि कोई भी निर्णय ध्यान पूर्वक लें। छात्रों के लिए दिन हर्ष भरा होगा। कोई मीनिंगफुल यात्रा में संयोग है, कोई मीनिंगफुल यात्रा का संयोग है, आप जरूरी काम के लिए जा सकते हैं, यात्रा आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। लाइफ पार्टनर के साथ आज क्वालिटी टाइम बीतेगा। लकी नंबर आपका 1 है 1, और कलर की बात करें तो डार्क ब्लू और ब्लैक आज आपका आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि स्वामी सूर्य, सूर्य की प्लेसमेंट इस टाइम पे कुंभ राशि के अंदर है। तो जानते हैं आपका दिन आज कैसा रहेगा। आज का दिन कुछ मध्यम रहेगा आपके लिए। जल्दबाजी या इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना ले। क्या आप जल्दबाजी में लेते हैं, कई बार गुस्से में भी ले सकते हैं या इमोशनल होके लेते हैं, तो आज ऐसा कोई भी बड़ा डिसीजन इन फीलिंग्स के साथ ना ले, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में आज अच्छा मुनाफा होगा। अगर आप आयात निर्यात के साथ जुड़े हुए हैं तो आज आपको लाभ के चांसेस हैं। स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में अगर भाग ले रहे हैं तो जीतने के अच्छे आसार हैं, आप भाग ले सकते हैं, फायदे में। लव रिलेशंस में हार्मनी बनी रहेगी। लकी नंबर आज आपका 4 और 6 है, और लकी रंग की बात करें तो आज आपके लिए नीला रहेगा, ब्लू। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि स्वामी बुध, बुध की प्लेसमेंट इस टाइम 12वीं राशि यानी मीन राशि के अंदर है। धार्मिक क्षेत्र में आज के दिन विशेष रुचि आपकी रहेगी। धार्मिक कार्यों में दिल भी लगा रहेगा, परिवार के साथ जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। व्यापार के लिए दिन थोड़ा सा हम कहेंगे ठंडा रहेगा, मगर सायंकाल तक आपको
कुछ अच्छे फल आने की उम्मीद है। कोई रुका हुआ काम भी होने की संभावना है। माता की स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, ये आवश्यक है। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कुछ छोटी सी बात पे नोकझोंक हो सकती है, कोशिश करके उसको वहीं पे खत्म कर दें। छोटी सी बात आज कोई बड़ा रूप ले सकती है। कोशिश करके किसी तीसरे की बातों में आज ना आए। लकी नंबर की बात करें तो आज आपके लिए 5 है और लकी कलर आपका गुलाबी और हल्का हरा रहेगा। तो आइए ले लेते हैं कुछ रिक्वेस्ट और कुछ रिक्वेस्ट के बाद फिर जानेंगे बाकी राशियों का। पहले कुछ प्रश्न कुंडली की रिक्वेस्ट ले लेते हैं। प्रश्न कुंडली आई हुई है, काफी आई हुई है, तो उनका रिक्वेस्ट ले लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। पारिस्मिता दास, ये रिक्वेस्ट है, ये पारिस्मिता दास जी की, असम से हैं ये, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इनके साथ प्रश्न कुंडली लगाई थी, इनकी प्रश्न कुंडली का आया हुआ क्वेश्चन। क्या ये एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, चेक कर लेते हैं। पारस्मिता दास जी, जैसे कि मैं आपकी हॉरोस्कोप प्रश्न कुंडली लगाई है, माफी चाहूंगा, इसमें जवाब आ रहा है थोड़ा सा नेगेटिव, जिसमें चांसेस दिखा रहा है गवर्नमेंट जॉब के, अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। इसके रॉन्ग होने के 2 चांसेस हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक, या आप नंबर सही नहीं निकाल पाए हो, नंबर 1, ये चांसेस हो सकते हैं, या आपके माइंड में उस टाइम पे कुछ और चल रहा होगा, तो एक वजह है नेगेटिव होने की। नहीं तो उसके बाद जो आपने नंबर मुझे दिया है और जो मैं चेक कर रहा हूं उसके हिसाब से नेगेटिव है। इसमें दिखा रहा है 2017 से पहले कुछ चांसेस थे आपके पॉजिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के। मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे आपके साथ क्या हुआ है, क्या वजह रह गई है। उस टाइम चांसेस पूरे थे, या कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो गया उस टाइम पे हॉरोस्कोप से रिलेटेड या कुछ भी। अगर उस टाइम पे बात हुई होती तो शायद कुछ उपाय, या हम कह सकते हैं हम कुछ कर सकते थे कि जिसमें चांसेस थे। अभी के लिए मुझे इस साल नेगेटिव दिखा रहा है। अगर आपके एग्जाम्स हैं, मेरा काम आपको मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं, आपने एग्जाम्स की डेट्स भी दी हैं। आपके एग्जाम्स की डेट 2021 में है और आप अभी से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आप प्रश्न कुंडली तब के लिए लगाई जाती है जो इंस्टेंट आपको क्वेश्चन हो कि आप अपीयर, यू विल अपीयर फॉर असम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, उस टाइम पे तो पॉजिटिव है। मैं इस टाइम का पीरियड, मैंने आपके एग्जाम्स की डेट्स नहीं देखी थी, इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको, मगर आप 2021 में करते हैं तो उस टाइम आपके चांसेस पॉजिटिव हैं। तो उस टाइम पे बाकी आप जुड़े रहेंगे तो उस टाइम पे एक बार हम दोबारा चेक कर लेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर जवाब आ जाएगा। तो बाकी मैं अपने वर्ड्स को वो लेता हूँ वापस कि इस टाइम पे तो पॉजिटिव नहीं है। 2017 में पीरियड पॉजिटिव था और 2020 के बाद 2021 के अंदर पीरियड पॉजिटिव है। तो 2021 में अगर आप बात करो कि उस टाइम पे चांसेस हैं, आप क्लियर कर सकते हो। तो बाकी ये होता है कई बारी कि उस टाइम पे आपने एग्जाम दिए नहीं दिए, क्या हुआ क्या नहीं, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो कोशिश कीजिए ज्योतिष के अंदर आप करंट सिचुएशंस का जवाब लीजिए तो आपको सही और क्लियर जवाब आ जाएंगे। तो जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपने और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब यही है कि अभी पॉजिटिव नहीं है, 2017 से पहले पॉजिटिव था और 2020 के बाद 21 के अंदर पॉजिटिव है, तो आप क्लियर कर सकते हैं।
टाइम पॉजिटिव है, आप उस टाइम क्लियर कर सकते हैं। अगली रिक्वेस्ट ले लेते हैं, अगली रिक्वेस्ट लेते हैं सोबिया खालिक जी की। सोबिया खालिक जी का पेज नंबर आया था 3, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या नहीं उसके बारे में जानना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। सोबिया खालिक जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, गवर्नमेंट जॉब के आपके भी जो है जवाब आया वो नेगेटिव है। जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, आपने जो सवाल पूछा था कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो मेरी तरफ से जो मैं चेक कर पा रहा हूँ नेगेटिव आ रहा है कि नहीं लगेगी। मैं नहीं चाहूंगा मेरी प्रिडिक्शन सही हो, मगर जो जवाब आ रहा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। वही मैंने बताया, प्रिडिक्शन गलत होने की वजह होती है कि या आपके उस टाइम माइंड में, क्योंकि माइंड में कुछ चल रहा, इसमें बहुत चीजें आ रही है तो मैं सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता। मे बी यू आर इन अ रिलेशंस विद समवन, कोई रिलेशंस की वजह से आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट डाइवर्ट हो रहा है, और भी कई चीजें हैं, मगर बेसिकली हम राइट लेफ्ट चीजों की बात ना करके आपका सवाल जो था गवर्नमेंट जॉब का, तो मैं गवर्नमेंट जॉब का यही सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से इसका जवाब नेगेटिव है। अगली रिक्वेस्ट ले लेते हैं, अगली रिक्वेस्ट ले रहे हैं हम विकास गुप्ता जी की। इनका क्वेश्चन है क्या इनकी शादी इस साल होगी या नहीं, चेक कर लेते हैं। विकास जी, जो आपका सवाल था कि आपकी शादी इस साल होगी या नहीं, नहीं, आपकी शादी जो होगी वो 2020 के अंदर चांसेस हैं होने के। 2020 के बाद, अगर आप बोलेंगे पर्टिकुलर मंथ भी निकल जाएगा उसके बाद, मगर उस टॉपिक पे अभी बात करना ठीक नहीं है। अभी इस साल 2019 में चांसेस नहीं है, 2000 मिड तक के चांसेस नहीं है, प्लैनेट्स वीक हैं। अभी जिसे मैं कह सकता हूं कि ये 6 महीने का पीरियड बनेगा, ये जो है आपका मार्च से लेके सितंबर तक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, मार्च से लेके सितंबर तक एक पीरियड बनेगा। उस पीरियड के अंदर आपको इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस है, मतलब जो आप जिस कास्ट के हैं आउट ऑफ कास्ट कुछ चांसेस बन सकते हैं शादी होने के, तो आउट ऑफ कास्ट के चांसेस है, मगर इसी 6 महीने के अंदर आपको एंगेजमेंट और मैरिज करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको पीरियड बहुत वीक है और स्मॉल है, छोटा है, तो आप कर सकते हैं, तो उस टाइम उसमें चांसेस है कि कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा एक आउट ऑफ कास्ट का, क्योंकि तो रिश्ते भी जो भी आपको आ रहे हैं वो थोड़े से एक साल से ठीक नहीं आ रहे होंगे, मनपसंद रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, जो रिश्ते आप चाहते हैं जैसा चाहते हैं कुछ ना कुछ कमी या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, तो या तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके इसी में शादी कीजिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा, और 1-1.5 साल वेट करने के बाद आपको चांसेस, मतलब जिसे कह सकते हैं कि आपको शादी के ठीक चांसेस हैं आपके। तो मैंने आपको बता दिया, या तो इस पीरियड में आप इंटरकास्ट करके कॉम्प्रोमाइज करके कर सकते हैं, मगर छठ मंगनी और विदाउट गैप आपको शादी करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको स्टोन भी पहनना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा ये वीनस स्टोन आप पहनेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा और शादी रुकने के और होने के चांसेस होंगे। तो उस बारे में आप बात ना करें, आप पहले सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, अगर आपको कुछ होता है ऐसा कई बार आउट ऑफ कास्ट या इंटरकास्ट। देखिए, अब हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है, जो चीज़ को मैं मानूँ ना मानूँ, हो सकता है आप मानते हो, जैसे मैं इंटरकास्ट में वो नहीं करता प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कास्ट, क्योंकि मेरे लिए सारे धर्म एक तरह से एक बराबर है, मगर अगर आप फील करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। इस टाइम आपका थोड़ा सा मन परेशान वाला पीरियड भी चल रहा है, गुस्सा भी आ रहा होगा, एंग्जाइटी भी हो रही होगी, परेशानी भी हो रही होगी, समय नहीं आ रहा होगा,
नहीं कुछ समझ आता तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको मंत्र बता दूंगा या मैं आपको रुद्राक्ष बता दूंगा, तो आप पहन लीजिए। आपका ये जो पीरियड है वो थोड़ा सा आराम से शांति से निकल जाएगा। शादी करनी हो तो बता दीजिएगा, तो मैं पत्थर आपको बता दूंगा, वो आप अच्छा स्टोन का पहन लीजिएगा अगर आपके बजट में है तो। नहीं तो आप जैसा आपका चल रहा है आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो आइए आप कुछ राशिफल जान लेते हैं, अगले राशिफल, और उसके बाद फिर हम कोई रिक्वेस्ट होगी तो जरूर उस बारे में चर्चा करें। बात करते हैं अब तुला राशि के बारे में। तुला राशि स्वामी शुक्र, शुक्र की प्लेसमेंट इस टाइम में मकर राशि में है, केतु और चंद्रमा के साथ। तुला राशि आज का दिन फाइनेंशियली अच्छा रहेगा आपके लिए। नौकरी वालों के लिए जॉब स्विच करने का मन कर सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। अध्यात्म की तरफ रुझान रहेगा, इससे आपको अपने मन की कोई आशंका या कोई भी कंफ्यूजन है उसमें से बाहर आने का रास्ता भी मिलेगा। खुद को नए जोश से परिपूर्ण पाएंगे, एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी के साथ आपका आज का दिन बीतेगा। लेकिन वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, किसी भी प्रकार का बड़ा बोला शब्द आज आपके लिए भारी पड़ सकता है। लकी नंबर की बात करें तो 3 लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा और येलो रहेगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि स्वामी मंगल, मंगल की प्लेसमेंट इस टाइम पे मेष राशि के अंदर। तो वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आज आपको संतान की तरफ से सुखद समाचार मिल सकता है। अगर आपकी संतान आपसे दूर रहती है, पास भी रहती है, तो आज आपको कुछ माँ बाप होने का एक अलग ही एहसास कराएंगे। व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस बड़े ही ध्यान से लें, सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, लव रिलेशंस में हार्मनी बनाए रखना आज आपके लिए जरूरी है। लकी नंबर 7 और 9 रहेगा, और लकी रंग की बात करें तो आज आपके लिए लाल रहेगा। आइए बात करते हैं अब धनु राशि के बारे में। धनु राशि स्वामी जुपिटर यानी कि गुरु, और गुरु की प्लेसमेंट इस टाइम पे 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि में। चारों तरफ से खुशहाली का माहौल रह सकता है। अपने बढ़े हुए मनोबल से आप दूसरों को भी आज खुशहाल कर सकते हैं। आज आपके अंदर ऊर्जा होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और अगर आपके आसपास कोई डाउन फील कर रहा होगा तो आज आपकी जरूरत उनको अधिक होगी। व्यस्तता अधिक रहेगी पर थकान महसूस नहीं होगी, कॉन्फिडेंस के साथ सब चीजें कवर हो जाएंगी। बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी अच्छे रहेंगे, सोशल लाइफ भी काफी एक्टिव रहेगी। छुट्टी का दिन है, सोशल लाइफ भी एक्टिव रहेगी। सोशल लाइफ का मतलब सोशल मीडिया से नहीं होता, सोशल लाइफ से होता है, तो कोशिश कीजिए सोशल लाइफ जितनी बढ़ाएंगे आपके लिए अच्छा है। लाइफ पार्टनर के साथ भी मधुरता बनी रहेगी। लकी नंबर आपका 1 और 4, और लकी कलर की बात करें तो आज आपके लिए येलो रहेगा। मकर राशि, अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि स्वामी शनि, शनि की प्लेसमेंट इस टाइम पे धनु राशि यानी अपने से 12वीं राशि के अंदर। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आपकी कंफ्यूजन्स आज भी कुछ हद तक बनी रहेंगी। नए बिजनेस प्रपोजल्स के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सब पहलू पे अच्छे तरीके से जांच लें। स्वास्थ्य पर भी कुछ बुरा असर हो सकता है, थोड़ा सा चेतनता और ध्यान रखने की आवश्यकता है। शेयर में अगर आप निवेश करते हैं तो आज ना करें, समय कुछ ठीक नहीं है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, इग्नोर ना करें। लकी नंबर की बात करें तो 5, और लकी रंग आज आपके लिए गुलाबी यानी पिंक रहेगा। आइए बात करते हैं अब कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि स्वामी शनि, शनि की प्लेसमेंट धनु राशि के अंदर यानी अपने से 11वें भाव में। तो जानते हैं आज कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। पिता से कुछ अनबन या मतभेद हो सकता है, विचार मैच ना करने की संभावना है। आय के स्रोत कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं आजकल,
हताश ना हो। अगर कहीं से काम नहीं बन पा रहा, अच्छा समय जल्द ही आएगा। व्यर्थ के व्यय से बचें। ज्यादा खर्च आने वाले समय में परेशान कर सकता है। ज्यादा खर्च आपका कर्ज भी बढ़ा सकता है और कुछ परेशानियां या जिसे हम कहते हैं संभाला हुआ धन भी खराब कर सकता है। कोई निकट रिश्तेदार आपसे आर्थिक सहायता की आज मांग कर सकता है। कोशिश करें बिना कटु वचन निकाले या बिना कुछ ऐसी बातें बोले आज अवॉइड करें किसी को पैसा देना। भविष्य में उसका लौटना थोड़ा सा जिसे हम कहेंगे कि मुश्किल पड़ सकता है। कोशिश करें आज अवॉइड कीजिए। अगर जरूरत होगी तो कल आप मदद या परसों आप मदद कर सकते हैं। पैसे फंसने के कुछ चांसेस आज बने हुए हैं। लकी नंबर की बात करें तो 2 और 7 और लकी रंग की बात करें तो आज आपके लिए ब्लैक और डार्क ग्रीन रहेगा। मीन राशि, अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि स्वामी गुरु की प्लेसमेंट इस टाइम पे वृश्चिक राशि 8वीं राशि के अंदर है। तो आइए जानते हैं आज आपका दिन कैसा होगा। सूर्य की आज कृपा आप पर बनी रहेगी। रुका हुआ कार्य पूरा होने की संभावना है। प्रियजनों से भेंट होगी। बिजनेस और नौकरी वालों के लिए दिन मध्यम रहेगा। क्रय विक्रय के व्यापार में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आज क्रय विक्रय के व्यापार वालों के लिए अच्छा दिन साबित होगा। कोई पुराना चलता आ रहा कोई कोर्ट केस में आज राहत मिलने के चांसेस हैं। कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आज आपको पॉजिटिव मिल सकती है। जरूरी नहीं है कोर्ट की केस की तारीख होगी, मगर अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उससे रिलेटेड कोई कह सकते हैं कि आपके पक्ष में कोई इंफॉर्मेशन आज आ सकती है। लव रिलेशन सपोर्टिव रहेंगे। लकी नंबर की बात करें तो 3 और 9 और लकी रंग आज आपके लिए सफेद रहेगा, व्हाइट। तो ये तो था 12 राशियों का हाल। देखते हैं कोई रिक्वेस्ट आई हुई है तो वो लेते हैं और उसके बाद आज के दिन का शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट आई हुई है हरजिंदर सिंह जी की। हरजिंदर सिंह जी का कहना है कि अपने घर ट्रांसफर कब होंगे और पेरेंट्स प्रॉपर्टी का शेयर कब मिलेगा। एक एक करके ले लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि आप घर कब ट्रांसफर हो गए। प्रश्न कुंडली लगा लेते हैं। तो हरजिंदर जी आपने क्या करना है, एकांत में बैठना है। देखिए अगर आप सही तरह नहीं सुनेंगे तो आप ये सही तरह से कर नहीं पाएंगे। एकांत में बैठिए, एक किताब लीजिए। एक किताब लेने के बाद उसको मन में जो भी आपका क्वेश्चन है ये कि आप वापस अपने जहाँ ट्रांसफर हुआ है ट्रांसफर अपने होम में कब जा पाएंगे, तो वो बुक लीजिए। वो बुक का एक पेज नंबर 1 और लास्ट पेज नंबर 249, उसको पकड़ के झटके के साथ खोलिएगा। जो पेज नंबर राइट या लेफ्ट आपको पहले दिखता है वो पेज नंबर इसी कमेंट के साथ मुझे डालिएगा, सिंगल कमेंट के साथ कि आप घर ट्रांसफर कब होंगे, तो मैं इसका जवाब देखने की पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करते हैं कि आपका जवाब इसके अंदर सही आ जाए। तो दोस्तों आज की रिक्वेस्ट यही थी। कल एक नई रिक्वेस्ट के साथ, शिवरात्रि का दिन है और राशिफल आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।